वीडियो देखने वाले सभी लोगों को नमस्कार। एक्चुअली जिसका इंतजार था और जिसका हिंट मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में ये बात बोली थी कि लॉकडाउन जारी रहेगा, और आज चूंकि लॉकडाउन 3 खत्म होने वाला था आज रविवार रात को, तो उसके लिए लॉकडाउन 4 लागू कर दिया गया है और लॉकडाउन की तिथि 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि केंद्र सरकार के घोषणा करने से पहले ही महाराष्ट्र की सरकार, तेलंगाना की सरकार और पंजाब की सरकार ने लॉकडाउन को ऑलरेडी बढ़ा दिया था 31 मई तक, और अभी गृह मंत्रालय ने भी अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है। और अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि मेट्रो को खोला जा सकता है, लेकिन लॉकडाउन में मेट्रो को नहीं खोला जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है, मेट्रो को नहीं खोला जाएगा। और लॉकडाउन में सिनेमा कॉम्प्लेक्स भी नहीं खुलेंगे, हाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, वो भी बिना दर्शकों के। लॉकडाउन में एक एक दर्शकों को एक अच्छी खबर है, उनको स्पोर्ट्स की चीज़ें देखने को मिल सकती है। और भी एक बड़ी खबर है कि लॉकडाउन में छूट मिलेगी, लॉकडाउन में छूट मिलेगी सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और किसी भी हाल में 10 बरस से 65 बरस के बुजुर्गों को, जो 10 बरस से नीचे के बच्चे हैं, 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा इमरजेंसी कंडीशन को छोड़ के। और ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन, कंटेनमेंट जोन, ये करने का अधिकार, मतलब घोषित करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। राज्य सरकारें अपने 2 राज्यों के बीच जो इंटर स्टेट बस है उसको चला सकती है, लेकिन दोनों राज्य सरकार की सहमति होनी चाहिए, मिस आपस में सहमति करके ये चला सकती है। और शादी में 50 से ज़्यादा लोग सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, मरने में जो लोग दाह संस्कार में जाएंगे उनको, उनमें 20 लोग से ज़्यादा सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। और जो सचिव हैं वो अभी रात को 9 बजे अपना वो डिस्कशन करेंगे राज्य के लोगों से और भी राज्यों के लोगों से, और ये सारी जानकारी राज्यों को भेज दी गई है, विभिन्न मंत्रालयों को भेज दी गई है, राज्यों को भेज दी गई है। और जो भी एडवाइज और कुछ एडवाइजरी इसमें ऐड होंगे बोला जाएगा, क्योंकि मजदूरों को घर पहुंचाइए, अगर जो मजदूर घर जाना चाहते हैं उनको घर पहुंचाइए। हालांकि अगर आप कंपनी खोलेंगे, ऐसा खबरें आ रही है कि अगर आप कंपनी खोलोगे तो मजदूर तो रहने चाहिए आपके पास। अगर दिल्ली से मजदूर को भेज दिए, बम्बई से मजदूर को घर भेज दिए, तो फिर कंपनी खुलेगा कैसे, अर्थव्यवस्था खुलेगी कैसे, ये बात भी देखनी चाहिए। और मजदूर जो पैदल घर जा रहे हैं, सरकार हमारा इसके लिए बहुत ही प्रयासरत है, गलतियाँ हुई हैं लेकिन उसको सुधारने का भी कोशिश जारी है। ठीक है, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ था। अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू माई फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।